हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, मैं हूं चंदर दुरेजा और आपके साथ आपके एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजर अकाउंटिंग फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल। राइट बच्चों, जब भी कोई भी बच्चा एक नए कोर्स की शुरुआत करता है, एक नई टीचर से पढ़ना शुरू करता है, तो उसके मन में बहुत सारे हमेशा हमेशा सवाल रहते हैं और वो डेफिनेटली चाहता है कि उन सवालों के जवाब उसको सबसे पहले मिल जाए। राइट तो हमारी ये वीडियो बेसिकली उन सभी के सभी सवालों के जवाब के लिए बनाई गई है। वो सवाल होते कौन कौन से हैं? नंबर वन, कोर्स कंटेंट क्या है, पास एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टीचर कितने करवाएगा, रूल्स ऑफ द क्लास क्या है, मीन्स हम आपको कुछ रूल्स बताएंगे, वो रूल्स क्या क्या होंगे, कवरेज ऑफ द बुक, मीन्स हम जिस बुक से पढ़ाएंगे वो बुक कितनी कवर करती है, कहाँ कहाँ से कवर करती है, रिविजन कैसे करनी है, डाउट कैसे डिस्कस करने हैं, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है, और पूरा का पूरा जो कोर्स है ये एक्चुअल में है क्या, मीन्स कॉस्टिंग होती क्या है। तो जो इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आपके साथ इस छोटे से वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट सबसे पहला कि सर कोर्स क्या है, कंटेंट क्या है। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि सीएस इंस्टीट्यूट ने आपको एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। राइट एंड दैट इज बेसिकली सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉड्यूल 1 पार्ट 2। राइट अब इसमें इन्होंने नो डाउट आपके बहुत जितने भी चैप्टर्स हैं उनको समराइज किया हुआ है। तो आपके चैप्टर कौन कौन से हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स, और पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स, एंड देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्टिंग सिस्टम। बच्चों इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम में एक चैप्टर नहीं है, कई सारे चैप्टर्स हैं। राइट मीन हम कॉस्टिंग सिस्टम के नाम से हम आपको चैप्टर्स नहीं देते हैं, हम आपको देते हैं जॉब बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग अलग से, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स अलग से, उसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग अलग से, सर्विस कॉस्टिंग यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अलग से। राइट हम आपको अलग अलग चैप्टर्स के नाम देते हैं, पर इंस्टीट्यूट ने जो नाम दिए हुए हैं वो क्या दिया हुआ है, सिंगल नाम दिया हुआ है, कॉस्टिंग सिस्टम। राइट और इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, आपके एग्जाम में बहुत आता है, बजट, बजटरी कंट्रोल है, एंड देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि रेशो एनालिसिस का चैप्टर है। राइट बच्चों, ये सब कुछ मैंने आपका जो है कंसिडर किया है, वो कहाँ से कंसिडर किया है, आपके स्टडी मटेरियल से जो कि सीएस इंस्टीट्यूट ने आपको सबको प्रोवाइड किया है। राइट अब सर ये जितने भी चैप्टर्स हैं, अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सर इतने सारे चैप्टर्स हैं, अराउंड 15, आपको अगर 12 हैं। सर मैंने कहा ना कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। राइट मैं उनको चैप्टर्स मान के चलता हूँ, तो अराउंड 15 चैप्टर्स हैं आपके पूरे कोर्स के। इन 15 चैप्टर्स में से अब आप ये जानना चाहेंगे कि सर आपके कि हमारे एग्जाम में ज़्यादातर कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा आता है। राइट अब बच्चों इस पर्पस के लिए हमने पिछले 4 अटेम्प्ट को एक बार समराइज कर दिया है और हर चैप्टर से रिलेटेड हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा कौन सा वाला चैप्टर पूछा गया है। राइट तो बच्चों इस पर्पस के लिए हमने एक शीट बनाई है जिसमें कि सभी के सभी चैप्टर्स आपके स्क्रीन पर हैं। जैसे कि मैंने कहा सर पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों यकीन मानो इट इज ए ऑलमोस्ट थ्योरी, ठीक है, और ये प्योरली थ्योरिकल है और इस थ्योरिकल चैप्टर को मैं कहूँ तो 8 मार्क्स दिसंबर 2014 में आया हुआ है, जून 15 में 12 मार्क्स का, एंड देन 10 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, और टोटल कितना 37 मार्क्स। और सर अगर एवरेज करें तो इट इज बेसिकली 9.25, नो डाउट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही मटेरियल कॉस्ट चैप्टर, मैं चाहूँगा कि सर इस सीक्वेंस को आप डेफिनेटली अपने किसी रजिस्टर में बना लें सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो ना देखना पड़े और आप इम्पॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर अपने रजिस्टर से ही आइडेंटिफाई कर सकें। राइट मटेरियल 8, 8, 3, 10 एंड देन टोटल 29 मार्क्स और एवरेज मार्क्स 7.25। राइट लेबर 8, 10, 2, 7, 27 एंड एवरेज 6.75। एंड देन ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप देख रहे हैं कि एवरेज जो है वो 1.75 है, मींस थोड़ा कम आता है, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स। राइट एंड देन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 5 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स 3 मार्क्स, टोटल 16 एंड एवरेज मार्क्स 4 मार्क्स। कॉस्टिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको कहा आपके स्टडी मटेरियल के अंदर बेसिकली एक हैडिंग है, उसके अंदर चैप्टर्स अलग अलग हैं जिसको मैंने अलग अलग ही कंसिडर किया है। ये अलग अलग चैप्टर्स कौन से हैं, लाइक कॉस्ट शीट एंड जॉब कॉस्टिंग। राइट 13 मार्क्स दिसंबर 2014, 9 मार्क्स 5 मार्क्स 8 मार्क्स और टोटल 35। उसके बाद एवरेजेस 8.75, प्रोसेस कॉस्टिंग अब आप देख रहे हैं एवरेजेस दिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 5102 एंड टोटल इज 8, सॉरी दिस इज नॉट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सॉरी सॉरी सॉरी
दिस इज सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग का एक दूसरा नाम है, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तो सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक ही बात है। एंड ये आपके पास एवरेज 2 मार्क्स का आया हुआ है, थोड़ा सा कम है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द, ओ माई गॉड, 11, 11, 25, 14, मतलब टोटल, आई थिंक टोटल इज रॉन्ग, बट सर मार्जिनल कॉस्टिंग आपके कोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। एवरेज 15 मार्क्स का, बच्चों 15 नंबर, और मेरे हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 9, 6, 10, 9, मीन्स ऑन एन एवरेज 9 मार्क्स का 8.5 मार्क्स आ रहा है। तो मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी हमें एक स्पेशल अटेंशन देनी होगी, ध्यान देना होगा, कंसंट्रेशन देनी होगी। बजटरी कंट्रोल 5, 8, 2, 6 एंड टोटल 21 एंड एवरेज 5.25, ओके। एंड देन कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है, अराउंड 2 नंबर का है, राइट। एंड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। मीन्स अगर मैं मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूँ, तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी तक के एग्जाम के लिए वो हैं बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग एंड रेशियो एनालिसिस, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कि रेशो आ जाता है, राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है। मीन्स इन टॉपिक्स को तो आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा, ओके बच्चों। ये है आपका बेसिकली मतलब एग्जाम्स का पास्ट ट्रेंड। अब शायद आपको ये अंदाजा लग गया है कि पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा मेहनत कौन से चैप्टर में करनी है, राइट। पर यकीन मानिए, मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करें और अनइम्पॉर्टेंट ना करें, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। पर मैं आपको ये जरूर कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, और हम भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा मेहनत करेंगे, राइट, ओके। तो जो दिस इज अबाउट द कोर्स, दिस इज अबाउट द पास्ट एग्जामिनर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, राइट। अब बच्चों मन में सवाल होता है कि सर हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तो डेफिनेटली आपको हमारे इस क्लास से छोटी सी एक्सपेक्टेशन ये जरूर होगी, ये आइडेंटिफाई करने की, सर ये कॉस्टिंग है क्या, हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने पहले अकाउंट्स पढ़ा है बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंट्स, पर सर ये कॉस्टिंग नहीं पढ़ा, तो ये कॉस्टिंग होती क्या है, और सर उसके साथ ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, तो ये क्या होती है। बिल्कुल सही बात है सर, डेफिनेटली आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ठीक है। सो सबसे पहले इस सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। देखो बच्चों, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं, राइट, और इनफैक्ट अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, जनरली हम उसको 2 बोलते हैं। 1 इज फाइनेंशियल अकाउंट्स, बच्चों ये फाइनेंशियल अकाउंट्स वही हैं जो कि अब तक आप बचपन से करते आए हो, राइट। और एक होते हैं कॉस्ट अकाउंट, जो कि अब आप शुरुआत करने जा रहे हो, राइट। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल अकाउंट्स जो अब तक आप बचपन से करते आए हो, बचपन ही है ना आपका, 11th class 12th class बचपन ही है, राइट। बचपन से जो आप करते आए हो, इन फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता था, इन फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव होता था टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। और बच्चों दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता था, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, टू फाइंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। और बच्चों आपको याद होगा फाइनेंशियल पोजिशन बनाने के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते थे, बैलेंस शीट, राइट। और एक तीसरा एक पर्पस होता था टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, ये यूजर्स कौन कौन से होते थे आपको याद होगा, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, इन सबको टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इन सबको हम लोग अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, बिकॉज ऑल दिस पीपल्स आर द इंटरेस्टेड पीपल्स इन आवर बिजनेस, क्योंकि ये लोग हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, इनका कुछ ना कुछ स्टेक हमारे बिजनेस के अंदर है, तो इन सबको हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कहाँ पर करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में, राइट। और सर मुझे बस इतना बात बताओ कि जितना भी ये आप काम करते थे फाइनेंशियल अकाउंट्स में, ये आप कब करते थे, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर या बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यस, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, बल्कि मैं कहूंगा कि आप अकाउंटिंग ईयर नहीं लिखते थे, आप लिखते थे फाइनेंशियल ईयर, देखो ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप बनाते हैं क्या, फाइनेंशियल अकाउंट्स, राइट। अब सर ये कॉस्ट अकाउंट्स क्या होते हैं और उसकी क्या जरूरत है, बच्चों देखो आपने सपोज करो एक नई फैक्ट्री खोली है, नया काम शुरू किया है, तो नया काम जो करेंगे वो कैसा करेंगे,
कि सर एक शॉप ले लेंगे, ठीक है, इस पर जो है फर्नीचर लगा देंगे, राइट। अब शॉप लिया है तो या तो रेंट पे ली होगी तो रेंटल पे करना होगा, अब शॉप ली है तो डेफिनेटली इस पर इलेक्ट्रिसिटी पावर का खर्चा भी होगा, फर्नीचर लगा देंगे तो फर्नीचर का एक्सपेंडिचर भी आपको करना होगा, राइट। और फर्नीचर के एक्सपेंडिचर के बाद शॉप में आपको एम्प्लॉयज़ भी काम करने के लिए चाहिए, तो इसमें एम्प्लॉयज़ भी हैं, राइट, एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो एम्प्लॉयज़ को देखने के लिए एक सुपरवाइज़र मैनेजर भी चाहिए, तो सुपरवाइज़र सुपरवाइज़र एंड मैनेजर भी आपने रख दिया, राइट। अब बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने बहुत सारे खर्चे कर दिए, सपोज़ करो ये ज्वेलरी का काम है, सपोज करो ये ज्वेलरी का काम है, राइट। अब शॉप ज्वेलरी की ओपन कर दी है, अब एक कस्टमर आपके पास आता है और कहता है कि सर बताइए ये जो रिंग है ना, ये रिंग कितने की है, राइट। अब सर रिंग कितने की है इसका पता लगाने के लिए नो डाउट एक तो इसके अंदर गोल्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, गोल्ड। अब गोल्ड की आपने कॉस्टिंग तो निकाल दी, पर उसके अलावा आपने भी तो दुकान पर शॉप पर बहुत सारे खर्चे किए हैं, अब जितने भी आपने खर्चे किए हैं उसकी रिकवरी कहाँ से करोगे, क्या अपनी पॉकेट से खर्च करोगे, नो। आप इन सभी के सभी खर्चों को कहाँ से रिकवर करोगे, कस्टमर से। अगर आप कस्टमर से रिकवर करोगे तो उस कॉस्ट को जो कस्टमर से रिकवर करनी है उसको भी आप ऐड करोगे, डेफिनेटली ऐड करोगे, और बच्चों उसके बाद इसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करोगे, तो आप बता पाओगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ द रिंग कितना है, राइट। अब सर कस्टमर आपके पास आ गया, उसने कहा सर आपको कि उसे रिंग चाहिए, उसने आपके दुकान से जो रिंग है वो पसंद भी कर ली, बट सर अब आपको जो है गोल्ड का प्राइस तो पता है, बट सर क्या नहीं पता, कॉस्ट। आपको ये नहीं पता कि मैं फर्नीचर की कॉस्ट का कितना हिस्सा इस रिंग से चार्ज करूं, आपको ये नहीं पता कि पावर इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी खर्च हो रही है उसका कितना हिस्सा इस रिंग से चार्ज करूं, एम्प्लॉय की कॉस्ट का कितना हिस्सा यहां से चार्ज होगा, रेंट का कितना हिस्सा चार्ज होगा, सुपरवाइजर मैनेजर का हिस्सा कितना चार्ज होगा, तो आपको ये नहीं मालूम, राइट। आप कहोगे सर हम लोग अकाउंट बनाते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंट, यहां से पता चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर, फाइनेंशियल अकाउंट से मालूम तो चल जाएगा, पर वो मालूम चलेगा कब, जब ईयर एंड हो जाएगा, जब ईयर एंडिंग पे पहुंच जाएंगे। अब सर ईयर एंडिंग पे जब आपको मालूम चल जाएगा कि आपके पूरे साल के खर्चे कितने हैं, तो क्या आप कस्टमर को ये कह सकते हो कि भैया रुक जा, एक साल के खत्म होने का इंतजार कर ले, मुझे अपने सभी के सभी खर्चे पता चल जाएंगे पूरे साल के, और जैसे ही पूरे साल के खर्चे पता चल जाएंगे उन खर्चों का एक हिस्सा मैं यहाँ पर डाल के तुझे बता दूंगा, प्रॉफिट ऐड करके तुझे बता दूंगा कि मैं तुझे कितने में रिंग बेचना चाहता हूँ। तो बच्चों क्या कोई दुकानदार आपको कभी भी ऐसा कहता है, नहीं, कभी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता, क्योंकि उसने सभी के सभी खर्चों को एक साल के एंड होने का इंतजार नहीं किया, उसने एस्टिमेशन बेसिस पर उन खर्चों को पहले से ही रिंग की कॉस्ट के अंदर एडअप कर दिया है। और कैसे एडअप कर दिया है, क्योंकि उसने कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए कॉस्टिंग को ऑलरेडी एड कर दिया, राइट। मींस कॉस्ट अकाउंटिंग में यानी कि हमारा मेन काम क्या होगा, टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हमारा यहां पर काम प्रॉफिट की कंप्यूटेशन का नहीं है बच्चों, यहां पर काम है बेसिकली कॉस्ट की कंप्यूटेशन का, और कॉस्ट की कंप्यूटेशन भी कैसे, ईयर एंड में नहीं, ईयर बिगिनिंग में, क्योंकि कॉस्ट की कंपटीशन अगर बिगनिंग में होगी तो ही हमें कस्टमर को प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस का पता लगा पाएंगे। देखो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग टेंडर सबमिट करते हैं, राइट। अब टेंडर तो सबमिट किया जाता है, टेंडर्स क्या होते हैं, टेंडर्स मतलब कि एक ऐसा काम जो कि आप करने में इंटरेस्टेड हो, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट से, मतलब किसी दूसरा पर्सन जो है वो काम करवाना चाहता है, आप करने में इंटरेस्टेड हो। अब जो पर्सन काम करवाना पड़ता है चाहता है वो एडवर्टाइजमेंट डाल देता है, और जितने भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो अपनी अपनी कॉस्ट बताते हैं, राइट। अब कॉस्ट बताएंगे तो तब जब एस्टिमेशन करेंगे, तो क्या फाइनेंशियल अकाउंट्स इस एस्टिमेशन के लिए आपकी हेल्प करेंगे, नेवर, कभी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स को क्या कहते हैं, जब पूरा साल खत्म हो जाए ईयर के एंड में हमारे पास आना, हम आपको बता देंगे कि पूरे ईयर के अंदर प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। बट सर टेंडर्स जो है ईयर खत्म होने के बाद नहीं, बल्कि इनफैक्ट किसी भी काम को लेने से पहले सबमिट करना है, तो अब आपको फिर से क्या फाइंड करना है, कॉस्ट, राइट।
आप कहोगे सर कॉस्ट फाइंड करना इतना कंपलसरी क्यों है? सोचो बच्चों, अगर आपने टेंडर में अपनी कॉस्ट को कम दिखाया, राइट, और आपने टेंडर ले भी लिया, तो बच्चों आपने कॉस्ट अगर कम दिखाई है, यानी कि कम मेजर किया है, तो अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च हो गई तो डेफिनेटली उसका बर्डन आपको बियर करना पड़ेगा। और अगर आपने कॉस्ट को ज्यादा दिखा दिया, राइट, अगर आपने कॉस्ट ज्यादा दिखाई तो टेंडर आपने ज्यादा वैल्यू का भरा, तो आपका जो पड़ोसी होगा, जो आपका साथ की कंपनी होगी, वो टेंडर को ले जाएगा क्योंकि उसने कॉस्ट को इन्फ्लेट नहीं रखा होगा। मीन्स हम अगर कॉस्ट को ज्यादा दिखाएं तो दिक्कत है, हमें टेंडर नहीं मिलने वाला, और अगर कम दिखाएं तो दिक्कत है क्योंकि उस केस में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमें कॉस्ट को पहले से ही सही सही कंप्यूट करना कंपलसरी है। कैसे, कौन कंप्यूट करेगा? यस, कॉस्ट अकाउंट्स। तो बच्चों कॉस्ट अकाउंट्स में हम लोग बेसिकली कॉस्ट की कंप्यूटेशन करते हैं ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की कंप्यूटेशन करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, लाइक कॉस्ट की कंप्यूटेशन तो कर ली, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके क्या आइडेंटिफाई करना? सेलिंग प्राइस, राइट। तो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट सर। और आगे चलते हैं बच्चों, इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव होता है जो कि मैनेजमेंट का सबसे फेवरेट है, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, वो तो सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम करती है कि पूरे साल में जो हो गया उसको रिकॉर्ड कर दो, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में क्रेडिट में, एंड सो ऑन। बट सर हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग एक दूसरा काम भी करती है, दैट इज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। ये एनालाइज करती है कि कौन कौन से कॉस्ट के कंपोनेंट में हमारी कंपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च कर रही है जिसको रिड्यूस किया जा सकता है। हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बजटेड से ज्यादा क्यों है, अगर ज्यादा है तो उसके रीजंस क्या हैं, ताकि उस कॉस्ट को फ्यूचर में एक्स्ट्रा खर्च ना किया जा सके। बच्चों आपको भी मालूम है कि अगर आप कभी भी कोई ज्यादा खर्चा कर देते हो तो आपके जो एल्डर्स बड़े होते हैं वो आपको कहते हैं कि ये क्या किया, ये काम तो सस्ते में हो सकता था। तो जैसे उन्होंने कहा कि काम सस्ते में हो सकता था, तो आप नेक्स्ट टाइम उस काम को सस्ते में करना चाहोगे, ना कि महंगे में। बच्चों यही काम हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स का भी होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होता है, कि हम यहाँ पर कॉस्ट अगर ज्यादा खर्च हो रही है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए मैनेजमेंट को सजेशन देते हैं, राइट। तो बेसिकली हमारे पास ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, नंबर वन कॉस्ट की कंप्यूटेशन करना, नंबर टू सेलिंग प्राइस को कंप्यूट करना, एंड नंबर थ्री कॉस्ट की रिडक्शन करना, राइट, बल्कि कहेंगे कॉस्ट की रिडक्शन करना विदाउट चेंजिंग इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है सर। अब सर ये मैंने आपको बताया कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, एक और है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दीज आर द बेसिकली टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स हैं। अगर सर ये दो पार्ट्स हैं तो ये दूसरा पार्ट है क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजन मेकिंग एक्सपर्ट्स, राइट। देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले बजट बनाते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, उसके बाद समय आगे बीतता है तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, हम उस एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन करने के बाद उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट कहाँ पर खर्च हुई है, राइट। तो बच्चों ये जितना भी हिस्सा है ये कॉस्ट कंप्यूटेशन का नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग का है, राइट। हमारे पास एक नया सप्लायर, हमारा सप्लायर जो है हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करने को रेडी है, अब वही रॉ मटेरियल जो है वो हम भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। अब हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या सप्लायर हमें जो सामान बेचने को तैयार है, अगर क्वालिटी सेम है और हमें सप्लायर से लेने में सस्ता है, मैन्युफैक्चर करने के अलावा अगर सप्लायर हमें सस्ता सामान दे रहा है तो मैन्युफैक्चर करते रहें या सप्लायर से परचेज करें? तो बच्चों ये क्या है? डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह के डिसीजन मेकिंग के काम हम लोग कहाँ पर करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो बेसिकली आपके पूरे कोर्स के तीन चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, नंबर वन बजटरी कंट्रोल, बजट्स बेसिकली, एंड नंबर टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एंड नंबर थ्री मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। तो ये तीन जो चैप्टर्स हैं बेसिकली आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट्स हैं, राइट। बाकी सारे के सारे पार्ट जो हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं, ठीक है। तो बच्चो दिस इज अबाउट द वेरी 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 स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ योर कोर्स, सो डेट आपको एक आइडिया क्लियर हो कि हमें करना क्या है।
ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, राइट। उन सभी के सभी सवालों के जवाब एक एक करके डेफिनेटली हम लोग कंसिडर करेंगे। कोर्स कंटेंट मैंने आपको बता दिया, पास एग्जामिनेशन ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर, राइट। नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर, मीन्स बच्चा कहता है कि सर आप हमें इतने सारे चैप्टर दे रहे हो, 15 चैप्टर्स हैं, तो हम कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें, राइट। नो डाउट बच्चों, आप जो है किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करो, उससे हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई खास इम्पैक्ट आने वाला नहीं। वो इसलिए क्योंकि हर चैप्टर इंडिपेंडेंट चैप्टर है और हर चैप्टर को हमने ये मान के पढ़ाया हुआ है कि आपने इससे पहले कोई और चैप्टर नहीं पढ़ा, राइट। बट हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप एक साथ पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दैट इज कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। मैं चाहूँगा जब आप कॉस्ट शीट पढ़ें, मतलब हमारा एक चैप्टर है कॉस्ट शीट एक चैप्टर है, दिस इज कॉस्ट शीट एंड जॉब कॉस्टिंग, राइट। यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है बट हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स की फॉर्मेट में हम आप बच्चों को देते हैं। तो ये जो कॉस्ट शीट है और जो जॉब कॉस्टिंग है, हम चाहेंगे कि आप इनको एक साथ पढ़े, मीन पहले कॉस्ट शीट पढ़ें फिर जॉब कॉस्टिंग पढ़ें, क्योंकि थोड़ा सा इनमें इंटरलिंक्ड है। अदरवाइज प्रोसेस कॉस्टिंग अलग से पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्विस कॉस्टिंग अलग से पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्जिनल स्टैंडर्ड बजटरी कॉस्ट इंटरप्रिटेशन यानी कि रेशियो एनालिसिस, अब ये अलग अलग पढ़ें विल नॉट मैटर एट ऑल। बट हाँ, ये जरूरी है कि अगर आपने मटेरियल चैप्टर की चार क्लासेस हैं, लाइक क्लास 1, 2, 3, 4, तो क्लास 1 पहले करनी है, 2 बाद में करनी है, 3 उसके बाद करनी है, 4। अगर आप जंपिंग करेंगे, जंपिंग इन द सेंस कि मेटल चैप्टर में भी आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी, आपको लगा कि ये तो मुझे आता है, मैं सेकंड क्लास में पहुंच जाता हूँ, बट आई गारंटीड बच्चों आपको कितना भी आता है मुझे नहीं मालूम, बट अगर आप फर्स्ट क्लास देख के ही सेकंड पर जाएंगे तो ही आपको अच्छा लगेगा, बीच बीच में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज एंड प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी चैप्टर आप पकड़ें, जो भी चैप्टर स्टार्ट करें, उस चैप्टर को सीक्वेंस से करें, एक एक क्लासेस करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपको आसान नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। आसान नहीं बच्चों, बहुत बहुत आसान, यकीन मानिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बहुत आसान होती है, वेरी इजी, राइट। इससे आसान कुछ है ही नहीं, मैं आपको प्रूव करूंगा, हर चैप्टर में प्रूव करूंगा कि ये बहुत 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 आसान है, आसान नहीं बहुत आसान, ओके। सो दिस इज सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर। आफ्टर दैट, हाँ बच्चा ये बड़ा सेंसिटिव है कि सर हमारे एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो जो मैं बता दूं, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, बट अपना स्टडी मटेरियल उठा के देखो इंस्टीट्यूट का, राइट, यू विल हैव, आपको मालूम चलेगा कि सर उन्होंने स्टडी मटेरियल में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही नहीं दिए हुए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, इनफैक्ट सारे के सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, लास्ट में जो है थोड़ा 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 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाल दिए, राइट। एक्चुअली इंस्टीट्यूट भी यही चाहता है कि आप सब्जेक्टिव ही पढ़ें, और बिना सब्जेक्टिव पढ़े आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर भी नहीं सकते, राइट। जब तक आप सब्जेक्टिव मतलब कंप्लीट क्वेश्चन वाइज नहीं करेंगे, क्योंकि देखो होता क्या है कि किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर हम जब भी क्वेश्चन करवाते हैं तो क्वेश्चन नहीं करवाते, बेसिकली कॉन्सेप्ट करवाते हैं, हर क्वेश्चन के थ्रू हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। अब एक क्वेश्चन मान लो तीन कॉन्सेप्ट हैं, तीन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन चल रहा है, पर सर जब आपके एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मैं मानता हूँ कि तीन कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं आएंगे, पर सर तीन में से एक कॉन्सेप्ट आएगा, पर सर वो तीन में से एक कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, और सर अगर कोई जानता है तो वो झूठ बोल रहा है, कोई नहीं जानता है, राइट। तो मतलब पढ़ना आपको सब्जेक्टिव होगा बट सर एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। आप कहोगे सर इसका मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। सर हर चैप्टर के बाद हम आपके साथ एक क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उस पूरे चैप्टर से रिलेटेड डेफिनेटली करेंगे, हर चैप्टर में करेंगे, हर चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द क्लास कंप्लीट चैप्टर से रिलेटेड डेफिनेटली हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, राइट। बट सर पढ़ना आपको सब्जेक्टिव ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ा पढ़ा के रटवा रटवा कर आपको जो है डेफिनेटली कॉस्टिंग नहीं सिखा सकता, राइट। सो दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कवरेज ऑफ द बुक, सर आपकी बुक की क्या कवरेज है। सर पूरा स्टडी मटेरियल हमने इंक्लूड किया हुआ है, ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट किया हुआ है,
राइट, बट उसके बावजूद भी मैं आपको ये पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा सर, मेरी बुक के अलावा अगर आपको कुछ भी पढ़ना है एक्स्ट्रा तो आप अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़िए, राइट। अगर स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, आपने हमारी बुक पढ़ ली, यकीन मानिए देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और जरूरत नहीं है। जब आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो आप फील करेंगे कि सर ने करवाया हुआ है, ये भी करवाया हुआ है, वो भी करवाया हुआ है, ऐसा भी, राइट। और जब तक आप अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो जबरदस्त होगा, माइंड ब्लोइंग होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारी बुक के अलावा स्टडी मटेरियल पढ़ें, और कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। स्टडी मटेरियल एक फॉर्मेलिटी के लिए है, राइट, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, हमारी बुक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। अच्छा, उसके बाद बच्चों का सवाल डाउट्स का, राइट सर, डाउट्स किस कैसे होंगे? सर मैं आपको बता दूं बच्चों, जो भी क्लासेस हम आपको पढ़ाते हैं, यकीन मानिए जितनी भी क्लासेस हम आपको पढ़ाते हैं, वो पूरी कोशिश ये करते हैं कि आपके डाउट्स ना ही आए, राइट। मीन्स अगर हमने पास्ट में सपोज करो 12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो 12 साल में जितने बच्चों ने जो जो डाउट पूछे हैं, हम अगली बार उन डाउट्स को वापस दोबारा से रेस नहीं होने देते, राइट। पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी सभी क्लासेस में 100% बच्चों के जो माइंड का माइंड के जितने भी सवाल हैं वो सब कुछ डिस्कस किए जाए, राइट। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके मन में कुछ चल रहा होगा, बस 5 मिनट आप उसे होल्ड करोगे, जस्ट उसके बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर दूंगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके मन में कुछ चल रहा होगा और मैं आपको उस समय डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट अगली क्लास में उसको डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा भी होगा, राइट। तो डाउट्स के लिए मैंने कहा मेरी पूरी कोशिश है कि डाउट्स नहीं आए आपको। अगर नहीं सर, अगर फिर भी डाउट आते हैं तो सर मैं कहूँगा कि सर आप एक रजिस्टर बना लें और उस रजिस्टर पर अपने डाउट नंबर 1, डाउट नंबर 2, डाउट नंबर 3 लिखें, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखें, चैप्टर को कंप्लीट होने दें। चैप्टर अगर ऐसा डाउट है कि आगे बढ़ना ही मुश्किल है तो नो डाउट, मैं आपको बताऊंगा उसका रास्ता क्या है। बट सर अगर ऐसा डाउट है कि जी हो सकता है कि आगे आ जाए, और डेफिनेटली आएगा बच्चों, इसको आप होल्ड कर लें, अगली क्लास का इंतजार करें। चलिए पूरा चैप्टर भी नहीं, अगली क्लास का इंतजार करें। अगली क्लास में भी अगर चैप्टर का वो वाला डाउट आपका डिस्कस नहीं होता है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको आपके सवाल का गारंटीड जवाब दूंगा। मीन्स आप ये मान के चलें कि मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, नो डाउट ऑनलाइन मैं हमेशा नहीं रहता हूँ, पर दिन में एक बार डेफिनेटली मैं व्हाट्सएप पर हर बच्चे का जवाब, मतलब क्वेश्चन का जवाब जरूर देता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेसिकली 9811981369, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। तो आप मुझे इस व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप WhatsApp यूज़ नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है हमें मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है cdclasses@gmail.com, राइट, बड़ा इजी है। cdclasses@gmail.com। और सर जब भी आप मेल करें, जब भी क्वेश्चन पूछें, तो डेफिनेटली अपना कोर्स, अपना सब्जेक्ट, अपना नाम, आपने कहाँ से परचेज किया हुआ है, ये जरूर जरूर लिखें, क्योंकि इससे इजी हो जाता है आपके साथ हमारा कम्युनिकेट करना, ठीक है। अच्छा तो बच्चों ये है बेसिकली डाउट्स का प्रोसेस, कि डाउट्स कैसे डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद हमारे पास रह जाता है बेसिकली डाउट्स हमने आपके साथ बता दिए, और इसके अलावा एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है। बच्चों नो डाउट एग्जामिनर जो है वो डेफिनेटली ये चाहता है कि आप एक्सपर्ट हों, वो 100 क्वेश्चंस में आपसे सब कुछ पूछना चाहता है, पूरी बुक पूछना चाहता है। उसको मालूम है कि आप कहाँ पर पढ़ते हैं, कहाँ पर छोड़ते हैं, और नो डाउट आपको मालूम है एग्जामिनर वही देता है जो कि बच्चा छोड़ के जाता है। तो पास होने का सबसे आसान रास्ता यह है कि कुछ छोड़ के नहीं जाना, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करें, बजाय इससे कि हम लोग सिलेक्टेड करें, राइट, हम आपको पूरा करवाएंगे। पर सर बच्चों का ये सवाल होता है, सर रिविजन कैसे होगी? अगर आप इतना 15 चैप्टर करेंगे तो रिविजन कैसे होगी? तो रिवीजन करना बहुत टफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, जब मार्जिनल कोर्सिंग की हमारी 5 to 6 क्लासेस होंगे तो रिवीजन करना टफ हो जाएगा। बट सर रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग से ही इसलिए पढ़े क्योंकि रिवाइज करना है। 5 क्लासेस अगर मार्जिनल कोर्सिंग की है तो आप स्टार्टिंग से ही बचो समरी बनाना शुरू कर दें, स्टार्टिंग से ही समरी बनाना शुरू करें, राइट।
मतलब जो जो हर क्लास में हर वीडियो के अंदर आपने पढ़ा है उसको आप लिखते रहें लिखते रहें लिखते रहें। और यकीन मानो अगर 5 क्लासेस आपने मार्जिनल कॉस्टिंग की पढ़ी हैं और आपने लिखने की आदत डाल दी कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, वो सारे कॉन्सेप्ट आपने एक पेज पर लिख लिए, तो सब 5 क्लासेस को एक पेज के थ्रू रिवाइज करना या थोड़ा 2-3 पेज के थ्रू रिवाइज करना इज नॉट ए बिग टास्क, बहुत छोटी सी बात रह जाएगी। राइट, आप कहोगे सर समरी हम आप हमें बनाने के लिए कह रहे हैं। यस सर बिल्कुल, तो समरी बनाएं तो डेफिनेटली इससे आपको बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा। राइट, समरी मुझे मेल करें, मैं डेफिनेटली उसको वेरीफाई करके चेक करके आपको दोबारा से सेंड करूंगा, आपको गुड बैड या इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं तो वो भी दूंगा। डेफिनेटली आप मुझे मेल करें, डेफिनेटली रिप्लाई आपको इसके थ्रू भी आएगा, नो डाउट आप गुड समरी बनाएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, पर मुझे अच्छा लगेगा अगर आप समरी बना के मेरे पास सेंड करेंगे तो। राइट, अच्छा एक चीज रह गई है, इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, क्या रह गया है, रूल्स ऑफ द क्लास। राइट बच्चों देखो, किसी भी क्लास में या किसी भी वीडियो लेक्चर्स में या किसी भी फेस टू फेस क्लास के अंदर यकीन मानिए आप जितने मर्जी बड़े से बड़े टीचर के पास चले जाइए, आप उसको 1 लाख रुपए की फीस दे दीजिए चाहे 10 लाख दे दीजिए, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना पास नहीं होंगे पक्का। राइट, जब तक आप नहीं एफर्ट्स करेंगे पास होना मुश्किल होगा। राइट, कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को ध्यान रखना है। नंबर वन, रेगुलरिटी मेंटेन करें। रेगुलरिटी का मतलब होता है एक टाइम बना लें कि आपको सुबह 6 से 8 बजे तक क्लास देखनी है। क्लासेस आपके लैपटॉप पर रखी हुई हैं, क्लासेस आपके कंप्यूटर पे हैं या ऑनलाइन सर्वर पे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उन क्लासेस को व्यू करके उसका बेनिफिट नहीं उठाते। राइट, ऐसे तो देखिए सोचिए एक लाइब्रेरी के अंदर लाखों किताबें पड़ी हुई हैं और लाइब्रेरियन को कुछ भी नहीं पता कि उसको क्या उसके पास क्या क्या है। अगर किताबों को रखने से कोई नॉलेज रख ले लेता तो लाइब्रेरियन जो है सबसे बड़े नॉलेजेबल पर्सन हो जाते। राइट, बट ऐसा नहीं होता, आपके पास बुक्स रखी हुई हैं, आपके पास हमारी क्लासेस हैं, दिस डजंट मैटर कि आपको जो है बहुत बड़ी नॉलेज हो गई, आपको इसके बाद पढ़ना होगा, टाइम देना होगा। राइट, और टाइम देना बच्चों ऐसा नहीं है कि जब मिलेगा दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, आपको टाइम एक रेगुलरिटी से देना होगा, अपना शेड्यूल बनाएं, शेड्यूलिंग करें, जैसे कि फेस टू फेस क्लास में होता है कि अगर 8 से 10 की क्लास है तो 8 से 10 आप उसमें अटेंड करने जाते हैं, आप अपने शेड्यूलिंग बनाएं 8 से 10 है तो 8 से 10, रात की अगर क्लास अटेंड करनी है रात को पढ़ना है 9 से 11 विल नॉट मैटर, पर सर जो भी शेड्यूल आपने बना लिया उसको रेगुलर फॉर्मेट में फॉलो करें। टाइम कम है तो एक वीक के अंदर 6 क्लासेस, टाइम अभी आपके पास एनफ है तो एक वीक के अंदर 4 क्लासेस तो लेने ही चाहिए। राइट, अगर आप एक वीक में 2 क्लास ले रहे हैं, मतलब 2 वीडियो देख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप जो है सही ट्रैक पर जा रहे हैं। इन अ वन वीक यू हैव टू सी एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 3 क्लासेस। राइट, 3, 4, 5 डेफिनेटली आपका बाकी कोर्स भी होगा, बाकी सब्जेक्ट भी होंगे, उस पर भी आपको ध्यान देना है, तो अपना शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग पर 3 क्लासेस पर वीक इज द मिनिमम वन। तो आई रिकमेंड कि आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहे, दिस इज द फर्स्ट रूल। दूसरा बच्चों, जैसे कि हर बार होता है होमवर्क, किसी भी क्लास को अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपको क्या मिलता है, होमवर्क। राइट, ये होमवर्क वो बचपन से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। राइट, अभी भी आपको होमवर्क मिलेगा, तो सिर्फ क्लास अटेंड नहीं करनी है, होमवर्क भी करना है। राइट, बट हाँ यहाँ पर आपको होमवर्क अपने आप से करना होगा, तो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर एक कंट्रोल रखना होगा कि यस वी हैव टू डू दिस। राइट, तो ये दूसरा रूल है हमारा, दैट इज होमवर्क। राइट, उसके अलावा बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज ए बुक इन द फिजिकल फॉर्म। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हमारा पीडीएफ उनके पास अवेलेबल होता है और वो पीडीएफ को देखते रहते हैं, वीडियो क्लास को सुनते रहते हैं, बच्चों इट विल नॉट गिव यू द पर्पस। आपको बुक फिजिकल फॉर्मेट में होने, मतलब कि आपके पास जो है बुक कागज होना चाहिए, आप जो है उस पर कुछ लिख सकें, कुछ डिलीट कर सकें, कुछ में अपना नोट्स डाल सकें, लिख सकें, पेन चला होना चाहिए। इसके अलावा जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा होता हूँ तो बुक से क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तो वो क्वेश्चन आपके हाथ में होना चाहिए, आप क्वेश्चन बुक में देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर कोऑर्डिनेशन बनेगा, उसके बाद ही मजा आएगा। और जो थर्ड पॉइंट हम पहले बच्चों को नहीं बोलते थे, फिर मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में रीड करते हुए वीडियो देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता, इनफैक्ट बहुत बच्चों का व्यू मैंने देख लिया है कि ऐसा नहीं होता, दैट दे आर हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस, दे विल हैव अ बैड एक्सपीरियंस।
पीडीएफ के थ्रू पढ़ना आई डोंट थिंक इज अ गुड वन, यू मस्ट हैव ए फिजिकल बुक विद आवर कोर्स, राइट। बस बच्चों यही रूल है और कुछ नहीं, और यकीन मानो स्टडी आपको करनी है। आपको हम कोई मूवी नहीं दिखा रहे हैं, आपको कोई पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यू हैव टू डू द लिवर। हाँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता, वी आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके लिए आप हमें मेल कीजिए, डाउट्स व्हाट्सअप कीजिए कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, डेफिनेटली वी विल गिव यू द फुल रिप्लाई, बट सर मेहनत आपको ही करनी होगी, राइट। तो बच्चो, सो दिस इज आवर बेसिक वीडियो फॉर द सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली यू विल हैव ए गुड एक्सपीरियंस विद, राइट सर, थैंक यू वेरी मच।